नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गिरिडीह। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बारीडीह सामुदायिक भवन में मंगलवार को 73वां वन महोत्सव मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जमशेदपुर प्रमंडल की DFO ममता प्रियदर्शी ने शहरवासियों को वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल मानसून सत्र में जमशेदपुर वन प्रमंडल ने 45,36,219 पौधे लगाने का निर्णय लिया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2027 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनने का सपना साकार हो सके। DFO ने बताया कि इसके लिए अलग अलग स्रोतों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन सब उपायों को अपनाकर प्रधानमंत्री का सपना साकार किया जा सकता है और प्रकृति को संरक्षित किया जा सकता है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विधायक सरयू राय शहर के बीचों बीच वन महोत्सव आयोजित करने के लिए वन विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वन महोत्सव तभी सार्थक होगा जब पेड़ों की कटाई रुकेगी और नदियों में कूड़ा करकट फेंकना लोग बंद करेंगे। इसलिए कम से कम पुराने पेड़ों को काटा जाए, यह सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान विधायक कार्यालय के समक्ष पौधारोपण भी किया गया। वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देने चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं। इस वर्ष जमशेदपुर वन प्रमंडल का लक्ष्य है कि 45,36,219 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो कि अभी जुलाई और अगस्त के महीने में ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ये इतने बड़े लक्ष्य में वृक्षारोपण करने का हमारा उद्देश्य है कि हम एक कार्बन सिंक डेवलप कर सके, जिससे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज़ किया है कि 2070 में हमें कार्बन न्यूट्रल करना है या कार्बन ज़ीरो करना है, उसकी तरफ ये जमशेदपुर वन प्रमंडल का एक पहल होगा, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पौधे जीवित रह सके। साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि कार्बन सिंक डेवलप करने के लिए हम वाटर बॉडीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब, पोखर या जो भी जल स्रोत है, उनकी सफाई का भी काम किया जाएगा और उन्हें संरक्षित रखने का भी कार्य किया जाएगा। एक और पहल जो हमने की है, हमने 32 जाहिर स्थान नो को आइडेंटिफाई किया है और इन जाहिर स्थानों को हम में सौंदर्यकरण का काम हम आगे आने वाले समय में करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिटी न्यूज गिरिडीह।